हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टमाटर की चटपटी चटनी की रेसिपी, जो आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन 6 से 7 कली, हरी मिर्च, प्याज और थोड़ा सा पुदीना, और 2 लिए हैं मैंने टमाटर, और ये लिए हैं मैंने जो चने की दाल आती है भुनी हुई वो। अगर आपके पास चने की दाल नहीं है तो आप भुने हुए चने का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद रखेंगे गैस के ऊपर कढ़ाई, उसमें डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च, उनको थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज कटी हुई, जो मैंने लॉन्ग स्लाइस में कट किया हुआ था पहले से ही। प्याज को हम जब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती है। और ये देखिए जो हमारी प्याज है उसका थोड़ा कलर चेंज होने लगा है। इसके बाद हम कर देंगे इसमें टमाटर ऐड, 3 टमाटर मैंने ऐड किए हैं, इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स, आप इसे चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी से थोड़े से पक जाएं। और ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम लेंगे मिक्सी का जार और उसमें सभी मसाले ट्रांसफ़र कर देंगे, थोड़ा ठंडा कर लेंगे पहले, उसके बाद ही हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है पुदीना और इसको ग्राइंड कर लेंगे। और अभी हम डालेंगे वो भुनी हुई दाल, और 2 चम्मच मैंने ऐड किए हैं इसमें दही, और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं अब नमक, और फिर से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखें हमारी जो स्वादिष्ट चटनी है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर भी आ गया है। अब इसको डोसा, इडली, पराठा किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। और अभी हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में, जो मिक्सी का जार था उसको भी मैंने वॉश करके इसी में डाल दिया है। हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। आप चाहिए तो इसमें चौका भी लगा सकते हैं, राई और जीरा, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, मिर्च का, लेकिन मैंने इसको सिंपल ही रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।